हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है यासिर और आप देख रहे हैं यश टेक इन गेमिंग। आज के दिन मैं लेकर आया हूँ आप लोगों के लिए हुआवे Y9A का फर्स्ट हैंड ऑन रिव्यू। जी हाँ गाइस, कोई दिखाने वाला नहीं है, सबसे पहले मैं दिखाऊंगा आपको हुआवे Y9A का फर्स्ट लुक, फर्स्ट हैंड ऑन रिव्यू मेरे चैनल पे। तो गाइस, वीडियो के साथ जुड़े रहिए, आखिर तक देखिएगा वीडियो को। और उससे पहले मैं चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए और ऑल पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। शोर फजूल का। अच्छा गाइस, तो मैं बता रहा था आपको हुआवे Y9A के बारे में। तो गाइस, हुआवे Y9A बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है पाकिस्तान में, बहुत ही अच्छी प्राइस और बहुत ही अच्छे स्पेक्स के साथ। तो गाइस, इस फ़ोन को देखते हैं कि इस फ़ोन में क्या स्पेक्स हैं। चलिए मैं आपको फ़ोन दिखाता हूँ और बताता हूँ कि इसके क्या स्पेक्स हैं। लेट्स गो। तो फ्रेंड्स, ये है हुआवे Y9A, आज इसका हम हैंड्स ऑन रिव्यू करने वाले हैं। ये बहुत जल्द पाकिस्तान में लॉन्च होने वाला है और इसकी प्री बुकिंग चल रही है। अगर आप प्री बुकिंग करवाना चाहते हैं तो अपने किसी भी करीबी स्टोर पे जाएं और वहाँ पे प्री बुकिंग करवा लीजिए। तो गाइस, चलिए इस फ़ोन को देखते हैं। सबसे पहले इस फ़ोन के हम डिज़ाइन की बात करते हैं। साइड पे अगर आप देखें, बहुत ही अच्छा इसका ग्रिप है, बहुत ही अच्छा स्मूदी डिज़ाइन है और यहाँ पर आपको एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर मिल रहा है, जो कि आप इसके थ्रू फ़ोन को अनलॉक भी कर सकते हैं, पावर ऑन ऑफ भी कर सकते हैं और इसके वॉइस असिस्टेंट सीलिया पे भी एक्सेस कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको वॉल्यूम बटन मिल रहा है। ऊपर की तरफ अगर आप देखें, यहाँ पे आपको 3.5 mm जैक मिलता है और इसके साथ यहाँ पे पॉपअप कैमरा मिल रहा है जो कि 16 megapixel है और 0.7 सेकेंड में ये पॉपअप हो जाता है। यहाँ साइड पे आप देखें तो कोई ऐसी खास चीज़ मौजूद नहीं है। नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पे सिम जैक मौजूद है और इसके साथ टाइप सी पोर्ट है और इसके अंदर मैं आपको बता दूँ गाइस, 40 volt सुपर चार्ज टेक्नोलॉजी मौजूद है और नीचे आपको स्पीकर मिलता है। बैक पे अगर आप देखें तो यहाँ पे नीचे हुआवे की ब्रांडिंग हुई हुई है और बहुत ही प्यारा टेक्स्चर है गाइस। इसमें डेजलिंग कलर्स मिलते हैं आपको। ये जो मेरे पास है ये सिल्वर स्पेस सिल्वर कलर है और इसमें दो और कलर आए हैं, एक सकूरा पिंक है और एक मिडनाइट ब्लैक। बहुत ही प्यारा टेक्सचर है, बहुत ही स्मूथ है। अगर आप कैमरे को देखें, कैमरा जो है वो हेलो डिज़ाइन में मौजूद है। इसका जो कैमरा है वो हेलो डिज़ाइन में मौजूद है और इसमें आपके पास क्वाड कैमरा मिल रहा है जो कि मेन कैमरा है, 64 megapixel इसका, इसे हम बोलते हैं 64 megapixel ऑल सिनेरियो क्वाड कैमरा। तो इसमें चार कैमरा मौजूद हैं गाइस और एक सर्कल में मौजूद हैं। इसमें अगर आप देखें तो सबसे पहला मेन कैमरा 64 megapixel है, उसके साथ 8 megapixel वाइड एंगल के लिए मौजूद है। जितनी भी आप वाइड एंगल फोटोग्राफी करेंगे 8 megapixel से, उसके नीचे आप देखेंगे 2 megapixel जो है वो डेप्थ सेंसर है जो कि डेप्थ कैलकुलेट करता है और बुके इफेक्ट देता है आपको। उसके साथ एक और 2 megapixel मैक्रो लेंस मौजूद है जितनी भी आप मैक्रो फोटोग्राफी करते हैं उसके लिए। और यहाँ पर आप देखें एक फ्लैश लाइट मौजूद है। तो गाइस, डिज़ाइन बहुत अच्छा है, बहुत ही स्मूथ डिज़ाइन है। आपके हाथ में जब आप इसको ग्रिप करते हैं तो आपको एक बहुत अच्छा फील महसूस होता है फ़ोन का। तो गाइस, ओवरऑल बहुत प्यारा डिज़ाइन है। चलिए अब इसकी स्क्रीन की बात कर लेते हैं। इसकी स्क्रीन गाइस 6.63 inch की स्क्रीन है। नीचे अगर आप देखें बिल्कुल बारीक सी चिन है और बेजल्स इसमें बहुत कम है। इसमें अगर आप देखें तो ये अल्ट्रा फुल व्यू 6.63 inch का फुल व्यू डिस्प्ले है जो कि 1080p रेजोल्यूशन के साथ है। FHD+ आपको रेजोल्यूशन मिल रही है इसमें। इसमें ना कोई नॉच है ना कोई पंच होल है, आपको फुल अल्ट्रा फुल व्यू स्क्रीन मिल रही है। तो उसको करीब से देखते हैं गाइस। ये देखें, ये 6.63 inch का अल्ट्रा फुल व्यू डिस्प्ले मिल रहा है आपको, बहुत ही अच्छी रेजोल्यूशन के साथ। IPS डिस्प्ले, LTTPS IP डिस्प्ले मिल रहा है आपको। ठीक है गाइस, तो ये फ़ोन है, बहुत ही ज़बरदस्त फ़ोन आने वाला है। इस फ़ोन के बारे में आपको मज़ीद में बता दूँ, इसमें आपको 8GB रैम मिलती है और 128GB रोम मिलती है। और गाइस, इसमें जो कैमरा आपको मिल रहा है वो 64 megapixel ऑल सिनेरियो क्वाड कैमरा मिल रहा है। चलिए इसकी सेटिंग्स में देखते हैं। ये मॉडल नंबर आपको लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा और इसके साथ आप देखें
एंड्रॉयड 10.1 पे अपडेटेड है ये। इसके अंदर मीडियाटेक G80 गेमिंग प्रोसेसर लगा हुआ है गाइस, ठीक है। और ये देख लीजिए, इसकी रैम 8GB है, रोम 128GB है और 2400x1080 यानी 2400x1080 पे आपको रेजोल्यूशन मिल रही है इसकी। तो गाइस बहुत अच्छा फ़ोन गेमिंग के लिए, हर लिहाज से फ़ोटोग्राफी के लिए आपको बहुत अच्छा फ़ोन मिल रहा है। इसमें मैं आपको बता दूँ गाइस, आपको ऐप गैलरी मिलने वाली है हुआवे की। इसमें प्ले स्टोर नहीं मिलेगा, आपको हुआवे ऐप गैलरी मिलेगी। लेकिन आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, आपको एप्लीकेशन ऐप गैलरी से और ऐप फाइंडर से और एपीके प्योर से, यहाँ से आपको एप्लीकेशन मिल जाती हैं। तो एप्लीकेशन का कोई मसला नहीं है, बैकअप्स भी आपको मिल जाता है इसमें गूगल वगैरह का, और आप व्हाट्सएप का बैकअप भी इसमें आप कर सकते हैं। हुआवे के क्लाउड पे आप व्हाट्सएप और बाकी अपने जितने भी बैकअप हैं वो बना सकेंगे। तो गाइस ये था फर्स्ट लुक फ़ोन का। ओवरऑल मुझे फ़ोन बहुत पसंद आया, तो उम्मीद करता हूँ कि फ़ोन आपको भी पसंद आने वाला है। तो गाइस ये था हुआवे Y9A, बहुत जल्द पाकिस्तान में लॉन्च होने वाला है। इसकी प्री बुकिंग चल रही है, अगर आपने प्री बुकिंग करानी है तो आप किसी भी करीबी स्टोर पे जाएं और अपनी प्री बुकिंग करा लीजिए, ठीक है गाइस। तो ये है हमारा हुआवे Y9A। अच्छा, इसके बारे में मैं आपको इसका जो पॉपअप कैमरा है ज़रा उसके बारे में बता दूँ। जब आप पॉपअप कैमरा ओपन करते हैं तो 0.7 सेकेंड में पॉपअप कैमरा जल्दी से पॉपअप हो जाता है, 0.7 सेकेंड में, ठीक है। तो अगर आपने सडनली कोई सेल्फी लेनी है तो पॉपअप कैमरा बहुत जल्दी से बाहर आ जाता है। और ये ड्यूरेबल है, 15 kg तक का वेट इस पर आप बर्दाश्त कर सकते हैं। देखें, मैं इसको पुश कर रहा हूँ, इसको फोर्सफुली मैं पुश करके बंद कर रहा हूँ, तो इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला गाइस, क्योंकि ये बहुत ड्यूरेबल है। तो ये इसकी क्वालिटी है, हुआवे जो भी प्रोडक्ट बनाता है बहुत ड्यूरेबल बनाता है। तो गाइस ये था हुआवे Y9A का फर्स्ट हैंड्स ऑन रिव्यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये फ़ोन और ये वीडियो आपको पसंद आने वाली है। तो मुझे कमेंट में ज़रूर अपनी राय से आगाह कीजिएगा कि आपको फ़ोन कैसा लगा और आप ये फ़ोन परचेज़ करने वाले हैं या नहीं। इसकी प्राइस मैं आपको बता दूं गाइस, ये 44,000 में आने वाला है, जो कि एक बेस्ट गेमिंग फ़ोन और एक बेस्ट फोटोग्राफी फ़ोन होने वाला है, क्योंकि इसमें 64 मेगापिक्सल ऑल सिलेनियो क्वाड कैमरा आपको मिलने वाला है। इसका जो अगर आप डिस्प्ले देखें, 6.63 इंच का अल्ट्रा फुल व्यू डिस्प्ले। तो गाइस अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।